आज फिर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं एक केस स्टडी उस महान हस्ती का जिन्हें श्रेय जाता है संपूर्ण क्रांति का आह्वान का, जिनका बयान एज इट इज मैं सुनाता हूं। भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज है। वे तभी पूरी हो सकती है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। यह संपूर्ण क्रांति का आह्वान कोई और नहीं बल्कि हमारे लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण की जुबानी थी। उन्हें आज 11 अक्टूबर 2019 को श्रद्धांजलि देते हुए उनके केस स्टडी आपके लिए लाया हूं। वो एक महान क्रांतिकारी, उद्भट देशभक्त और उत्कृष्ट समाज सुधारक थे। उन्हें देश की उन महान विभूतियों में से गिना जाता है जिन पर प्रत्येक भारतवासी को गर्व होगा। वे भारत के राजनीतिक गगन पर चमकने वाले उन सितारों में से थे। उनकी आभा कभी मलिन नहीं होगी। वह उन महान विभूतियों में से एक थे जो सेवा को धर्म और निष्प्रिय रूप से कार्य को ही कर्म मानते थे। संपूर्ण क्रांति का आह्वान के दौरान उन्होंने 7 क्रांतियां शामिल की थी, जैसे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति का उन्होंने आह्वान किया था। यह संपूर्ण क्रांति का आह्वान श्रीमती इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था और इस क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ भी धोना पड़ा था। जयप्रकाश नारायण की हुंकार मात्र पर ही नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ता था। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। अगर उन्हें मिलने वाले सम्मान की बात की जाए तो मरणोपरांत 1999 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, राष्ट्रभूषण सम्मान दिया गया और रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1965 में लोक सेवा के लिए दिया गया। इनके नाम से अनेक संस्थानों का निर्माण किया गया, नामकरण किया गया, जैसे जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, लोकनायक जयप्रकाश विमान क्षेत्र, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध तथा न्याय विज्ञान संस्था, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल दिल्ली। जेपी के संबंध में भारतीय समाजवादी आंदोलन के भीष्म पितामह आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कहे गए शब्द नितांत सत्य हैं। जयप्रकाश बाबू एक अत्यंत संवेदनशील, भावुक और ईमानदार, कर्मठ और निष्प्रिय व्यक्ति थे। उनके लिए भारतीय राजनीति के चाणक्य शब्दों का प्रयोग किया जाए या समाजवादी समाज के निर्माता शब्द का प्रयोग किया जाए अथवा निष्प्रिय कर्मयोगी शब्दों का प्रयोग किया जाए, सभी कुछ सत्य साबित दिखता है। जयप्रकाश बाबू के समस्त जीवन पर अगर दृष्टिपात करने पर हमारे सम्मुख एक अजीबो गरीब व्यक्ति के रूप में आते हैं। अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में आरंभ में वे वैज्ञानिक समाजवादी के रूप में आए, फिर भारतीय समाजवादी और तत्पश्चात विभिन्न विचारधारा के संगम के रूप में उदित हुए। जयप्रकाश बाबू त्याग और निष्प्रियता की प्रतिमूर्ति थे। अगर जेपी के जीवनी पर ध्यान दिया जाए तो इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में
सीताब दियरा जो कि सारण छपरा बिहार में है हुआ था, और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनकी पटना में हुई। पटना में अपने विद्यार्थी जीवन में स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने हिस्सा लिया। जेपी बिहार विद्यापीठ में शामिल हो गए, जिसे युवा प्रतिभाशाली युवाओं को प्रेरित करने के लिए सुप्रसिद्ध गांधीवादी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा द्वारा स्थापित किया गया था, जो गांधी जी के एक निकट सहयोगी रहे थे। 1922 में उच्च शिक्षा के लिए जेपी अमेरिका गए, जहां उन्होंने 1922 से लेकर 1929 तक 7 ईयर्स तक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कली विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का अध्ययन किया। इतनी महंगी पढ़ाई के खर्चे को वहन करने के लिए उन्हें खेत में, कंपनियां में, रेस्टोरेंट में भी काम करना पड़ा था। वे मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित हुए। उन्होंने एमए की डिग्री की और पीएचडी अपनी माताजी के तबियत खराब होने के कारण पूरा नहीं कर पाए थे। अगर उनके व्यक्तिगत जीवन पर दृष्टि डाला जाए तो उनका विवाह बिहार के प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती के साथ अक्टूबर 1920 में हुआ था। विवाह के उपरांत कस्तूरबा गांधी के साथ आश्रम में रही वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुप्रसिद्ध गांधीवादी अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ भी समय बिताए। 1932 में गांधी, नेहरू और अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं के जेल जाने के बाद उन्होंने भारत में अलग अलग हिस्सों में संग्राम का नेतृत्व किया। अंततः उन्हें भी मद्रास में सितंबर 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया और नासिक के जेल में भेज दिया गया, जहां उनकी मुलाकात कई अन्य नेताओं से हुई। जेल में इनके द्वारा की गई चर्चाओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP को जन्म दिया। CSP समाजवाद में विश्वास रखती थी। जब कांग्रेस ने 1934 में चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया तो जेपी और CSP ने इसका विरोध किया था। 1939 में इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोक आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने सरकार को किराया और राजस्व रोकने से अभियान चलाया। टाटा स्टील कंपनी के हड़ताल कराकर यह प्रयास किया कि अंग्रेजों को इस्पात न पहुंचे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे आर्थर जेल से फरार हो गए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हथियारों के उपयोग को सही समझा। 16 महीने बाद 1945 में उन्हें आगरा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके उपरांत गांधी जी ने यह साफ कर दिया था कि डॉक्टर लोहिया और जेपी की रिहाई के बिना अंग्रेज सरकार से कोई समझौता भविष्य में मुमकिन नहीं है। दोनों को अप्रैल में अंततः अंग्रेजों के द्वारा 1946 में रिहा कर दिया गया। 19 अप्रैल 1954 में गया बिहार में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की। 1957 में उन्होंने लोक नीति के पक्ष में राजनीति छोड़ने का निर्णय लिया। 1960 के दशक में अंतिम भाग में वे राजनीति में पुनः सक्रिय हुए। 1974 में किसानों के बिहार आंदोलन में उन्होंने तत्कालीन राज्य सरकार से इस्तीफे की मांग की। वे इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के विरोध में थे। गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने बिहार में सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। जेपी का निधन उनके निवास स्थान पटना में 8 अक्टूबर 1979 को हृदय की बीमारी और डायबिटीज के कारण हुआ था। उनके सम्मान में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। उनके सम्मान में कई हजार लोग उनकी शोक यात्रा में शामिल हुए थे। जेपी में निडरता कूट कूट कर भरी थी। वह गांधी विचारधारा के इस मूल मंत्र को भली भांति याद किए हुए थे कि युद्ध बुरे से नहीं बुराई से है। जयप्रकाश बाबू भारतीय समाज के
उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। राजनीति में वे नैतिकता के प्रबल समर्थक थे तथा आम जनता में उनका असीम विश्वास था। वे एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चलाया था। वे एक समाज सेवक थे जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। आज उनके जन्म दिवस पर हम सब देशवासी यह संकल्प लेते हैं कि जयप्रकाश बाबू ने बताए गए रास्ते पर हम चलने का अवश्य प्रयास करेंगे और उनकी जो मूल मंत्र है, बुरे कर्म हो सकते हैं, बुरे लोग नहीं, क्योंकि लोग अगर बुरा कर्म करना छोड़ दें तो वही अच्छे आदमी बन सकते हैं। तो हमें बुराई से नफरत होनी चाहिए, बुरे लोगों से नहीं। बुरे लोगों को हम सुधार सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।